हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसा आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं इंचोली। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया, आज हम जा रहे हैं इंचोली। कबीर और मैं रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट से भी फ्री हो गए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो बस हम सोच रहे हैं कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकल जाए, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब है बाहर। तो बस हम निकलने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए गाइस, हम निकल चुके हैं इंचोली के लिए और अब हम जा रहे हैं, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस हम जल्दी जल्दी से निकल जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए गाइस, हम निकल चुके हैं। हम बैठ गए थे बस में कबीर रोड में, तो अब हम निकल गए हैं। तो गाइस, वीडियो में बने रहना एंड तक, तो मिलते हैं आगे चलकर। ये देखिए गाइस, कबीर बैठा है बस में और हम निकल गए थे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बाहर देख रहा है। तो गाइस, बारिश आ चुकी है और हम बस से उतरे हैं, एकदम बारिश आ गई है। देखिए कबीर भी पूरा भीग गया है, कोई बात नहीं, भीगते भीगते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आगे जाकर। गाइस, ये है बॉर्डर, यहाँ से दिल्ली के अंदर गाड़ी एंट्री होती है चेकिंग होकर। तो ये है दिल्ली के अंदर जाने का बॉर्डर है। हम जा रहे हैं मोहन नगर से जाएंगे मेरठ सिटी के लिए, बस पकड़ेंगे। तो अब हम जा रहे हैं मोहन नगर, तो मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। कहाँ जा रहे हो? मोहन नगर से इंचोली। इंचोली जा रहे हैं हम। किसके पास? नानी के पास। नानी के पास जा रहे हैं हम। तो गाइस, फाइनली कबीर अपनी नानी के पास जा रहा है, और उसकी मैंने जैसे बताया सब उसको याद कर रहे हैं, और कबीर भी सबको याद कर रहा है। तो कबीर बहुत ज़्यादा खुश है, बस में तो सो भी गया था, तो मैंने उसको उठाया जब हम उतरे बस से, तो उसके कबीर के सर में लग भी गई, क्योंकि तो दिल्ली के बस के ब्रेक कुछ ज़्यादा हाई फाई होते हैं, बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाते हैं। तो कबीर के थोड़ा लग भी गया, कोई बात नहीं, वो नींद से उठ तो गया, नहीं तो सोता रहता, मुझे परेशानी होती। तो कबीर उठ गया था, फिर जैसे हम बस से उतरे तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और अभी भी कंटिन्यू बारिश है। वैसे स्लो हो गई है, मगर बारिश अभी रुकी नहीं है। तो हम सीधा मोहन नगर जा रहे हैं, और मोहन नगर से पकड़ेंगे मेरठ सिटी के लिए बस। तो अभी हमें काफ़ी दूर जाना है, बहुत दूर तक जाना है, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अब हम आ गए हैं मोहन नगर। थोड़ा दूर पैदल चलकर हम जाएंगे बस में बैठने के लिए। वैसे तो बस यहाँ भी खड़ी है, मगर इनमें बहुत टाइम लग जाएगा जाने के लिए, तो हम आगे जाएंगे, बहुत आगे चलकर थोड़ा, तो वहाँ पर बस मिल जाएंगी हमें। तो बिल्कुल मतलब रेडी होंगी जाने के लिए, तो हम जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। चलिए चलते हैं। और ये देखिए गाइस, हम बैठ गए थे मोहन नगर की बस पे, और कबीर ने सुनने चालू कर दिए हैं सॉन्ग। तो देखिए, गाइस हम आ चुके हैं मेरठ, और ये देखिए कबीर, बहुत टाइम लग गया क्योंकि रास्ते में बारिश बहुत ज्यादा थी, और बस का टायर पंचर भी हो गया था। वो तो अच्छा हुआ अंदर वाला टायर पंचर हुआ, बाहर वाला नहीं, इसलिए गाड़ी स्लो स्लो चलती रही। तो हम स्लो मेरठ आ गए हैं, बस अड्डे पर मैं उतर चुका हूँ और रिक्शा में बैठ गया हूँ। तो अब हम जा रहे हैं साकेत चौबला, साकेत चौबला से लेंगे ऑटो रिक्शा, फिर वहाँ से जाएंगे इंचोली अपने गांव। तो ये देखिए गाइस, मेरठ की रौनक, ये है आबुलेन का चौराया बेगम पुल। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखिए गाइस, कैसे अपने बच्चों को दुपट्टे से बांधकर दर बदर भटक रही है अपने बच्चे के खाने के लिए। तो गाइस, ये होती है माँ,
और कुछ लोग अपनी माँ को कुछ समझते नहीं, तो माँ माँ होती है। तो ये देखिए हमने इन झोली के अंदर एंटर कर दिया है, तो हम सीधे जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं आपसे घर जाकर। तो गाइस हम आ गए हैं वापस घर, कबीर और मैं। ये देखिए कबीर अपनी नानी के घर वापस आ गया, तो चलिए चलते हैं हम अंदर, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फाइनली हम घर आ गए हैं, 6 घंटे का सफर करके हम घर फाइनली आ चुके हैं इंचोली अपने गांव। बहुत ज्यादा थक गए हैं, कबीर तो माशाल्लाह पूरे रास्ते सोते हुए आया है, और पूरे रास्ते बारिश ही बारिश थी। बहुत ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि बस में पंचर हो गया था, वो तो अच्छा हुआ कि अंदर वाले टायर में पंचर हुआ, जो स्लो स्लो बस लेकर आ गया अपना मेरठ तक। तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि रास्ते में बारिश हो रही है, और जब से मैं इंचोली से गया हूँ माशाल्लाह बारिश ही बारिश है हमारे इंचोली में। तो माशाल्लाह सात के रिश्ते में घर आ गया हूँ और मेरा खाना वाना भी हो गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। बहुत थक गया था, बैठे बैठे थक गया था मैं, तो मैं थोड़ा सा अपना घूम कर आ जाता हूँ। पैर भी पूरे एकदम दुख गए हैं, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो चलिए चलते हैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। देखिए गाइस ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा, तो देखिए कैसा पानी पानी हो रहा है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे इंचोली में माशाल्लाह, क्योंकि गर्मी भी इस बार बहुत है और बारिश ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो बहुत ज़्यादा बारिश है। बहुत ठंडा मौसम है यहाँ पर, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वापस आकर। तो मम्मी पापा भी खुश हो गए हैं कबीर को देखकर, और कबीर भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलिए चलते हैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए गाइस हमारे कबीर ने पहन लिया चश्मा, दिल्ली से आकर वो चश्मा पहन लिया क्योंकि उसकी जो गिफ्ट आए थे उसके बर्थडे में, तो उसमें एक गन का भी गिफ्ट था, तो उसमें ये चश्मा था, तो कबीर ने अपना चश्मा पहन लिया है और गन भी चला रहा है। तो आपको वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का व्लॉग परसों को देखने को मिलेगा, तो अभी वेट करिए थोड़ा, तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस मैं तो डिनर करके हो गया था और अब मैं फ्री हो गया हूँ हर चीज़ से, बाहर भी घूम कर आ गया था, तो मेरा डिनर करके हो गया था, तो मैंने सोचा इस व्लॉग का यहीं एंड कर देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, तो एडिटिंग वगैरह भी करनी है, एडिटिंग भी है, अपलोडिंग भी है, बहुत कुछ है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।